क्या भगवान होते हैं? अगर होते हैं तो दिखते क्यों नहीं? स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल एपी सनातन हिंदू में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने एक तार्किक सवालों का जवाब लेकर के हाजिर हूँ। दोस्तों, वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। दोस्तों, मेरा क्वेश्चन है कि क्या भगवान होते हैं, और अगर होते हैं तो दिखते क्यों नहीं? दोस्तों, अक्सर हमारे सनातन धर्म के युवा लोग ऐसे प्रश्न करते हैं और ये जानने की कोशिश भी नहीं करते कि हाँ, वास्तव में भगवान होते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर पढ़े लिखे युवा लोग होते हैं जो भगवान में बिलीव नहीं करते, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर विश्वास वैज्ञानिकों पे करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है कि वैज्ञानिक होते हैं और वैज्ञानिक बहुत कुछ करते हैं, लेकिन भगवान भी होते हैं, इस बात को आप लोग मत भूलिए। पढ़ना लिखना ठीक है, लेकिन अपने सनातन और अपने संस्कृति को भूलना ये अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, भगवान अगर नहीं होते तो क्या ये पृथ्वी होती, चांद होता, सूरज होता, वायु होता, पेड़ पौधे होते, जीव जंतु होते, हमारा जीवन होता, आपका जीवन होता? नहीं ना, कभी नहीं होता। दोस्तों, क्या आपने ये कभी सोचा है कि इस सृष्टि की रचने वाला आखिर है कौन? क्या वैज्ञानिक रचता है इस सृष्टि को? क्या वैज्ञानिक बनाता है इस संसार को? नहीं, वैज्ञानिक कभी नहीं संसार को बनाता, क्योंकि वैज्ञानिक को भी बनाने वाले भगवान ही है, इसीलिए भगवान होते हैं। दोस्तों, क्या वैज्ञानिक वायु को बना सकता है? क्या वैज्ञानिक सूल को बना सकता है? क्या वैज्ञानिक वायु को दिखा सकता है? क्या वैज्ञानिक सूल को दिखा सकता है? नहीं ना, कभी नहीं दिखा सकता वायु को और सूल को। वायु को तो महसूस किया जाता है, पर सूल को भी महसूस ही किया जाता है। जिस प्रकार से हमारे आसपास या हमारे पास पड़ोस में कोई सी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, तो जिस समय उसकी मृत्यु होती है और जिस समय उसकी आत्मा निकलता है, उस समय उसकी आत्मा को देखने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसको नज़र मनुष्य ही आता है। ठीक उसी प्रकार से हम परमात्मा को देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, यही क्वेश्चन एक बार स्वामी विवेकानंद जी के मन में भी आया था, और वो स्वामी विवेकानंद जी ने इस प्रश्न का हल जानने के लिए संपूर्ण ग्रंथ, शास्त्र, वेद और पुराण की वो टीचिंग की। दोस्तों, संपूर्ण वेद, शास्त्र और पुराण भी पढ़े, लेकिन उनकी आत्मा की शांति कहीं नहीं मिली, किसी से भी नहीं मिली। फिर उन्होंने ऋषि, महर्षि और वेदों की ज्ञाताओं के पास में गए और अपने प्रश्नों का हल जानने की कोशिश की। दोस्तों, संपूर्ण ऋषि, महर्षि और साधु महात्मा अपने तरफ से पूर्ण रूप से कोशिश किए ये समझाने के लिए कि भगवान होते हैं, लेकिन फिर भी उनको आत्मा की शांति किसी भी ऋषि, महर्षि और मुनियों से नहीं हुई। दोस्तों, फिर उन्होंने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने कितने गुरु बनाए और कितने गुरु बदले, कितने गुरु छोड़े और कितने गुरु को फिर से बनाना शुरू किया। दोस्तों, कभी हार नहीं मानने वाले स्वामी विवेकानंद जी ने चलते चलते एक बार कोलकाता पहुँचे, और कोलकाता में उनकी मुलाकात श्री रामकृष्ण परमहंस जी से हुई। दोस्तों, श्री रामकृष्ण परमहंस जी के पास में जब स्वामी विवेकानंद जी ने पहुँचे, तो रामकृष्ण परमहंस देख करके उन्हें मुस्कुराए और बोले कि कितने दिन से मैं इंतजार कर रहा था, अब जाकर आया है। फिर स्वामी विवेकानंद जी ने श्री रामकृष्ण परमहंस जी से अपना सवाल किया। फिर श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने उनको अपने कुटिया में लेकर गए और फिर
बैठाए, उसके बाद में उनके प्रश्नों का आंसर बहुत ही सरलता से और बहुत ही सहज भाव से उनको बताए और समझाए, जिससे स्वामी विवेकानंद जी का आत्मा शांत हुआ और मन की तृप्ति हुई। दोस्तों, वहीं पर स्वामी विवेकानंद जी ने परमहंस जी को अपना गुरु बना लिए और परमहंस जी ने उन्हें अपना शिष्य रूप में स्वीकार किया। दोस्तों, वहां से शिक्षा प्राप्त कर और गुरु जी को अपना गुरु दक्षिणा दिया और कुछ ही दिनों के बाद में स्वामी विवेकानंद जी ने भगवान को प्राप्त हो गए और परलोक को सिधर गए। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने जो शिक्षा ग्रहण की थी अपने गुरुओं से, उस शिक्षा को प्रचार प्रसार करने हेतु वो देश विदेशों में यात्रा करने लगे। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने संपूर्ण यात्रा पैदल ही की थी, किसी भी साधन की वो सहारा नहीं लिए। दोस्तों, संपूर्ण भारतवर्ष की यात्रा पैदल करके और अपने सत्य सनातन की प्रचार करते हुए और अपने धर्म को आगे बढ़ाते हुए एक दिन वो भगवान को प्राप्त हो गए और भगवान उनको अपनी परम धाम दिए, जिससे उनकी आत्मा की शांति हुई। तो दोस्तों, कहा जाता है कि संसार में कोई भी ऐसा चीज नहीं जो मनुष्य नहीं कर सकता है, बस उनको ज़रूरत है कि ठान लेने की। दोस्तों, कोई भी काम अगर हम ठान लेते हैं और दिल से करते हैं तो भगवान भी उसको पूरा जरूर करते हैं। दोस्तों, जिन युवाओं को ये क्वेश्चन है कि भगवान होते हैं और होते हैं तो दिखते कैसे हैं और दिखते क्यों नहीं और भगवान नहीं होते हैं, उनसे मेरा एक ही निवेदन है कि वो कृपया अपने गुरु को खोज करें और एक अच्छे गुरु और एक सच्चे गुरु की खोज करें, जिससे अच्छा ज्ञान प्राप्त हो और अच्छा मार्ग की दर्शन हो। दोस्तों, ये तार्किक सवालों का जवाब आप लोगों को कैसा लगा और मेरा वीडियो पसंद आया कि नहीं, कमेंट में आप हमको ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।